क्या हो रहा है यहाँ पे आशी, तुम कहाँ चढ़ी हो बेटा? भैया तो क्या कहते हैं, कंघी और तुम्हारे बाल का सब गिरा दी पीछे फिर से। हम आपसे बोले थे ध्यान दीजिएगा। हम बोले हैं, नहीं मान रही है। हार गए अश्वी बेटा। चलो लंच टाइम, लंच करेगा बाबू? बाबू लंच टाइम, उठिए खाना लगाएं। अश्वी क्या खा रही हो? झापड़ झापड़ खा रहा है। तो नो नो, पापड़ खा रही हूँ मैं। तो गाइस यहाँ अश्वी ना पापड़ एंजॉय कर रही है, जब तक तब तक हम फटाक से रोटी और चावल बना लेते हैं और मेरा कटहल भी तब तक हो जाएगा रेडी। एक चीज और बेटा, क्या करना है फिर से करो। इतना बड़ा बाबू इतना बड़ा चुम्मा ले ली पापा, इतना बड़ा। हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका एक नए ब्लॉग में, और अभी बज रहे हैं सवेरे के 9। तो सबसे पहले आप सभी लोग को गुड मॉर्निंग आशी के भी साइड से। आशी नाम है ना बाबू, तुम्हारा नाम गलत बोल रहे हैं। हेलो करो सबको, हेलो करो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, मैं सुबह का ब्रेकफास्ट कर रही हूँ और मैं नहा भी लिया। तो गाइस आशी अभी दूध पी रही है, काफी मेहनत करवाती है दूध पीने के लिए। बाबू भी डांस कर रहे थे। बाबू डांस करके दिखाओ बेटा। पापा पापा एक के मोड़ आया, मैं एक के दिल छोड़ आया। तो गाइस इसके बर्थडे वाले में जो हम लोगों ने रिकॉर्ड किया था ना, इसका बर्थडे आप लोग पता नहीं देखे होंगे नहीं, उसमें क्या कहते हैं, हम लोग के चैनल पे जाइएगा, आप लोग को मिल जाएगा, आई बटन में भी दे देंगे। तो उसमें इसके मामा है, वो डांस करते हैं गदर वाले फिल्म के जो सॉन्ग है एक मोड़ आया वाला, तो वही हमेशा ये डांस करती रहती है और हम लोग से भी कहती है कि आप लोग भी गाइए तो डांस करें। तो एक बार ये गाती है तो डांस करती है, फिर हमसे कहती है पापा भी गाइए आप भी डांस करेंगे। बाबू कौन डांस करता है ऐसे? कौन डांस करता है ऐसे? कौन डांस करता है ऐसे? कौन किया था ऐसे? कौन किया था बेटा ऐसे ऐसे? कौन किया था बेटा उसमें? कौन आता है टीवी में? टीवी में कौन आता है? कौन डांस करता है बेटा? समझ ही नहीं पा रही बाबू, मामा करते हैं ना। वो खुद बताएगी बेटा, समझ क्वेश्चन नहीं समझ आ रहा बाबू। अरे रब जाने कब गुजरा पापा। बाबू दूधू पी लो, दूधू बाबू अपने हाथ से पी लो, अपने हाथ से पी लो। ये गाना चाहती है ना कि हम लोग गाते रहे। हाँ गाते रहे बाबू, काम हम भी कर लिया जाए थोड़ा। हाँ वैसे भी देर हो रहा है, जल्दी दूध। हाँ पी लो बाबू, दूधू पी लो, 4 घंटा इसी में दूधू पी लो। देखो सब लोग देख रहे हैं तुमको, जल्दी दूध पी लो, जल्दी जल्दी बेटा। फिनिश करके दिखा दो मम्मा, आइस क्लोज कर ली, आइस क्लोज कर ली मम्मा, आइस क्लोज कर ली बाबू। पी लिया क्या है? लाओ मम्मा को दो। चादर वादर सब खराब कर दे रही हो, कपड़ा भी खराब हो गया बाबू। नहाया है ना, हम नहाएंगे फिर से नहाओगी, फिर से नाव नाव करोगी? नहा देंगे तो। हाँ इसके लिए नहा देंगे बाबू। लो फिनिश कर दो। 1 कपड़ा गंदा हो रहा है बाबू। चलो मुंह धुल दे, आओ। दूध नहीं पीना चाहती ये लड़की, बिल्कुल दूध नहीं पीना चाहती है, गंदी। और गाइस ये देखिए आशी के बर्थडे का जो पोस्टर था हम लोगों ने बाथरूम के दरवाजे पर चिपका दिया है इसके यादगार में, ताकि हमेशा ऐसे दिखती रहेगी, और जब भी इसको देखती है ना तो इसको अपना याद आता है, इसे बार बार दिखाती है बाबू बाबू करके, है ना बाबू? बाबू क्या कर रहा? बाबू ये कौन है, ये कौन है? अश्वी है। कौन है? अश्वी है बाबू। बहनी माउथ वॉश हो गया। तो हम जा रहे हैं खाना बनाने, बहुत देर हो गई। चुप, अब उसको थोड़ा सा कुछ देर देखिए, हम जाए खाना बनाएं। तो गाइज आज का जो मौसम है ना वो ऐसा है, बिल्कुल ठंडा वाला मौसम है, बहुत अच्छी बारिश हो रही है और यहाँ तो पूरा अंदर तक पानी वानी आ गया है। तो गाइज हम आ गए हैं अपने किचन में और अब हम जा रहे हैं बनाने खाना, और मौसम तो खैर चाय और पकौड़े वाला है लेकिन टाइम ओवर हो गया है, अभी चाय पकौड़े का टाइम चला गया, हम लोग नाश्ता वाश्ता कर लिए, चना वना खा लिए हैं और अब जा रहे हैं बनाने लंच। तो आज लंच में बनाएंगे हम कटहल, कल शाम को मार्केट गए थे तो कटहल लेकर के आए थे, तो आज बनाएंगे कटहल की सब्जी, चावल और रोटी। और कटहल और चावल तो मेरा फेवरेट है, मतलब
मजा आ जाता है, बहुत मजा आता है खाने में। तो जा रहा है बनाने, उसी की तैयारी करना है, उसको बनाना है। वैसे भी थोड़ा सा तो टाइम टेकिंग होता ही है। तो गाइस कटहल की सब्जी किसको किसको पसंद है कमेंट में जरूर बताइएगा। वैसे हमको जहां तक लगता है अपने यूपी में तो मैक्सिमम लोगों को ना कटहल की सब्जी पसंद होगी। और थैंक गॉड लाइट आ गई, लाइट चली गई थी तो बिल्कुल अच्छा दिखने का था, अभी लाइट आ गई तो सही हो गया। और हम यहाँ कट कर रहे हैं प्याज, लहसुन छील लिए हैं, जल्दी जल्दी बनाना है। गुलाब जामुन ये ना बहुत अच्छा लगता है, और हमको लगता है अगर मेरे घर में मिठाई होती है ना तो सबसे ज्यादा मिठाई हम ही खाते हैं। वैसे पता नहीं क्यों हमको पहले मीठा इतना नहीं पसंद था, बट जब से आश्री हो गई है ऐसा हम फील करते हैं। जब वो होने वाली थी तब से लेके अभी तक, मतलब अब मुझे मिठाई बहुत अच्छी लगती है। मतलब हम चाहते हैं मेरे घर में हमेशा कुछ ना कुछ रखा रहे फ्रिज में, और हम ऐसे आराम से बैठ के खाना बनाते टाइम धीरे धीरे एक एक खाते रहे। तो अक्सर ऐसा होता है कि हम एक साइड खाना बनाते हैं और अगर फ्रिज में मिठाई है तो ऐसे साइड में बैठ के खा लेते हैं। और यहाँ पे तेल भी गर्म हो गया है, देखिए इसमें से धुआं निकल रहा है। और अब चलते हैं कटहल को डाल देते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज सब्जी में, जो सब्जी की जान होती है, दो चीज होती है, नमक और मिर्च। तो नमक की बारी तो अभी नहीं आई, लेकिन मिर्च डालना ही हम भूल गए थे। तो अभी तो फिलहाल बहुत अच्छे टाइम पे याद आ गया, अभी ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। कटहल डालने से पहले ही हमको मिर्च डाल देना चाहिए था, बट हम भूल गए थे। तो अभी चलते इसको डाल देते हैं और बच गए। अदरवाइज अगर इतना कितना भी अच्छा कोई भी सब्जी बना लो ना, अगर उसमें नमक मिर्च बराबर नहीं रहेगी तो सब बेकार है। तो ऐसा होने से बच गए हम। चलते हैं अब इसमें मिर्च डाल देते हैं। और यहाँ साइड में आशवी के लिए पापड़ भून रहे हैं, क्योंकि उसको पापड़, ओ गॉड जल गया, उसको पापड़ बहुत पसंद है। तो थोड़ा सा उसके लिए फ्राई कर रहे हैं। आशवी क्या खा रही हो? झापड़ झापड़ खा रहा है। तो नो नो पापड़ खा रही हूँ मैं। तो गाइज यहाँ आश्वी ना पापड़ एंजॉय कर रही है, जब तक तब तक हम फटाक से रोटी और चावल बना लेते हैं और मेरा कटहल भी तब तक हो जाएगा रेडी। एक चीज और क्या, ये पापड़ तो खा रही है और साथ में मेरा भी काम कर रही है। क्या, मैं यहाँ पर वीडियो एडिट कर रहा हूँ तो इसमें बैठ करके अपने हाथ से ऑन कर दे रही है। वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा, मेरा काम आसान है और काम भी कर रही है। तो गाइज यहाँ मेरी कटहल की सब्जी गरम गरम बन के हो गई है तैयार, और थोड़ा लाइट कम है, लाइट चली गई है, मौसम खराब है तो बस एक ही लाइट जल रही है इन्वर्टर से। तो कलर इसका थोड़ा सा हमको लग रहा है डिफर आ रहा है इसमें। और आइए पहले देखते हैं आश्री और इसके पापा जी क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है यहाँ पे। आश्री तुम कहाँ चढ़ी हो बेटा? भैया तो क्या कहते हैं, कंघी और तुम्हारे बाल का सब गिरा दी पीछे फिर से। हम आपसे बोले थे ध्यान दीजिएगा, हम बोले हैं नहीं मान रही है। हार गए आश्वी बेटा, चलो लंच टाइम, लंच करेगा बाबू? बाबू लंच टाइम, उठिए खाना लगाएं। चलो बेटा अभी आ जाने दो पूरा, तब ना खा। अरे अरे आजा इधर आजा बेटा, इधर आजा। हम यम 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 आ जाने दो, लग जाने दो। तो गाइस अब धीरे धीरे हम लोग का डिनर, सॉरी लंच लग रहा है। अरे छोड़ो बेटा, आश्वी महारानी पधार रही है। आ गए भैया, ऐसे छोड़ दी है। बोले थे इसी से ले क्या ना, ले पकड़ी थी हाँ। फिर ऐसे लाके आवे, ऐसे छोड़ दी, वो हम नीचे नहीं पकड़े होते। अच्छा, गिर गया होता। बाबू ऐसे ही काम करोगी? सीख जाओ अच्छे से मम्मा के साथ। देखो देखो देखो, बाबू क्या करेगा बता दो, क्या करेगा? डब, क्या करेगा? डब डब नहीं करेगा, ऐसे भी क्या कर रहा था ऐसे? देखो देखो बेटा ऐसे ऐसे कैसे कर रहा था, करो टप 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 टप, ऐसे करो। क्या करेगा बेटा अब? खाओ खाओ करेगा, खाओ खाओ करके दिखा दो, खाओ खाओ बेटा, खाओ खाओ करके दिखा दो। हाँ बोलो। पापा कैसा है बेटा? अच्छा क्लैपिंग। तो भाई इसको जब खाते समय गाना लगवाना होता है ना, तो इसी तरह करती है ऐसे, मतलब ऐसे लगाओ तो जल्दी जल्दी ऐसे 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 करती है। बेटा क्या करना है, फिर से करो। इतना बड़ा बाबू।
बाबू बाबू इतना बड़ा चुम्मा ले ली पापा इतना बड़ा। चलिए बता कहाँ के बताइए कैसा है। डब 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 अब और आगे आ जाए नहीं तो हो जाएगा पब पब बेटा डब डब डब। रोटी मक्के की, कटहल की सब्जी और मक्के की रोटी, ये भी एक क्या कॉम्बिनेशन। क्या कॉम्बिनेशन, दही भी है क्या? हाँ चाहिए क्या? वेरी गुड यम्मी टेस्टी अच्छा बना है। अभी खाते हैं। अच्छा क्यों? बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली थी। क्या गड़बड़ होने वाली थी? कटहल डाल दिए हैं, मिर्चा डालना ही भूल गए थे। अच्छा वो तो हमको याद आता है, सिर्फ कटहल थोड़ा सा ही फ्राई हुआ था तब तक हमको याद आ गया, और अगर बाकी चीजें डालते जाते मिर्ची मिस ही हो जाता। अरे यार मिर्चा ही नहीं रहता तब तो स्वाद ही नहीं आता। वही तो कह रहे हैं कि फिर सारा मेहनत बेकार हो जाता, लेकिन हमको याद आ गया। ओके थैंक्स टू गॉड, थैंक्स कि तुमको याद आ गया, नहीं तो आज तो रंगला पोपट कर देते। क्योंकि बिना मिर्ची और बिना नमक का कोई सब्जी का स्वाद होता नहीं, और स्पेशली कटहल को बहुत बघार के बनाना पड़ता है, कटहल में कोई टेस्ट तो होता नहीं है। हाँ। तो गाइस उम्मीद करते हैं आज का ब्लॉग आपको पसंद आया होगा, अगर पसंद आया हो तो लाइक का बटन जरूर दबाए। आशी बाबू लाइक का बटन आशी भी बोल दिया, अब आप लोग जरूर दबा दीजिएगा, और चैनल पे नए हो तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और कमेंट में जरूर बताइएगा कि किसको किसको कटहल की सब्जी पसंद है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय टाटा, बाय गाइस लव यू ऑल, फ्लाइट किस बेटा। बाय। वाह 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 आज ही इतना फ्लाइट किस देती है, लगातार मजा आ रहा है। खाना खा ले, हाँ आ जाओ।